स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री स्टडी अल्फा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 2, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि है पहला है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड टू रिटेन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड प्रिवेंट स्पॉइलिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। उसके बाद है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर। जो उसके बाद है कैनिंग। कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन स्टेरिलाइज्ड एयर टाइट कैंस। उसके बाद है एमोनिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इंटू एमोनिया बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। उसके बाद है पस्टुराइजेशन। पस्टुराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड देन कूल्ड क्विकली टू डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट 99% ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद है न्यूट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इंटू नाइट्रेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूट्रिफिकेशन। उसके बाद हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले नंबर पर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर पर देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए डैश, वो माइक्रोस्कोप होता है। उसके बाद है ब्लू ग्रीन अल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सोयल, वो होता है नाइट्रोजन। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। क्लोरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर, जो कि है एमसीक्यू। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सेकंड पर है देखो, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, सोडियम बायोकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमिसिन, एल्कोहल और ईस्ट। आंसर है स्ट्रेप्टोमिसिन। उसके बाद है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, क्या होगा वो होता है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, क्या होगा आंट तो नहीं होगा, हाउस फ्लाई। उसके बाद है द ब्रेड और इडली डॉप राइजेस बिकॉज हीट ग्राइंडिंग ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल और नीडिंग, वो होगा ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू एल्कोहल इज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मिनेशन, इन्फेक्शन, तो वो होगा फर्मिनेशन। इसके बाद नंबर 3 है देखो, मेज द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो बैक्टीरिया होगा कॉजिंग क्लोरा, राइजोबियम होगा फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस होगा सेटिंग ऑफ कॉर्ड, ईस्ट होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोआ होगा कॉजिंग मलेरिया, वायरस होगा कॉजिंग एड्स। उसके बाद है नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विथ नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। उसका आंसर है देखो, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई में दिखते हैं या नहीं, अगर नहीं तो हम कैसे उन्हें देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं? नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आई बिकॉज दे आर टू स्मॉल, वी कैन सी देम अंडर ए माइक्रोस्कोप, वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें वो नेकेड आई में नहीं दिखते, एक माइक्रोस्कोप की मदद से हम उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर ग्रुप क्या होते हैं? तो मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस होते हैं। उसके बाद है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल, वो सोयल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। उसके बाद है 7 नंबर पर राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं और फॉय भी होते हैं, तो हेल्पफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो पहले देखते हैं यूजफुल। द बेनिफिट्स, द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोस। फर्स्ट देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द
decomposers and they help the recycling of substance. Second point है, blue green algae and rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds and increase the fertility of the soil. उसके बाद है नंबर थर्ड पॉइंट होगा, lactobacillus helps in the formation of milk products like curd and cheese. उसके बाद है yeast help in the formation of alcohol and bakery products like bread and cakes. उसके बाद है products like idli and dosa are prepared by the action of fungi. उसके बाद है medicines such as penicillin are made from fungi. उसके बाद है मशरूम आर एडिबल फंगि. नेक्स्ट है अलगे सेल एक्सट्रैक्ट सच एच अगर आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फूड एंड कॉस्मेटिक्स. उसके बाद है कैल्प ब्राउन अलगे इज रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटासियम. नेक्स्ट है मेनी टाइप्स ऑफ सी वीट आर यूज एज फूड इन चाइना एंड जापान. उसके बाद है नंबर एट देखो, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं. देखो, बिसाइड बीइंग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. दे स्पॉइल फूड बाय ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल्स एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स कॉल्ड एमिनाइन्स व्हिच आर जनरली स्मेली. This change the chemical composition, texture and physical appearances of the food. Such food if consumed leads to many diseases including food poisoning. In plants, they cause diseases like wheat rust and citrus canker. In animals, they cause diseases like foot and mouth disease and anthrax. They spoil articles like cloth, leather, etc. नेक्स्ट है नंबर 9, व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स. व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. देखो, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग द होस्ट. प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स आर, फर्स्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. सेकेंड पॉइंट होगा, वन मस्ट फिनिश द एंटायर कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. थर्ड पॉइंट है एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस. उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर एक्स्ट्रा से बुक से ही आते हैं. तो देखो, शुरू करते हैं. पहला, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स, पहले नंबर पे आता है ए बैक्टीरियम व्हिच इन्फेक्ट्स ए वायरस इज नोन एज ए बैक्टीरियोफेज. सेकंड है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. थर्ड है मिल्क इज प्रिजर्व बाय द प्रोसेस ऑफ पॉस्चराइजेशन. सर्किल द ऑड वन आउट. देखो, बैक्टीरिया फंगी हाउसफ्लाई अल्गे एंड प्रोटोजोआ, तो होगा हाउसफ्लाई. उसके बाद है चिकन पॉक्स, निमोनिया, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज, वो होगा निमोनिया. सेकंड, थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, फर्मिनेशन, डेंट्रिफिकेशन, वो होगा फर्मिनेशन. उसके बाद नंबर सी देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट है स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय बैक्टीरिया एक्शन कैन बी प्रिजर्व बाय द डिहाइड्रेशन सॉल्टिंग और एडिंग प्रिजर्वेशन, वो होगा ट्रू होगा. No other organism besides bacteria are able to fix atmospheric nitrogen. वो होगा फॉल्स. उसके बाद एमसीक्यू है देखो, which of the following are used in making food items? वो होगा मशरूम, सीवीड, ईस्ट पाउडर और ऑल ऑफ दिस. वो होगा ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है which of the following are autotrophic? प्रोटोजोआ, अल्गे, फंगी, वायरस. होगा अल्गे. Which of the following helps in nitrogen cycle? Rhizobium bacteria, blue green algae, lightning. वो all of these होगा. उसके बाद है which of the following is a disease caused in plant by pathogens? होगा foot and mouth disease, rabies, citrus canker, tuberculosis. तो होगा वो citrus canker. उसके बाद है which of the following is a
कम्युनिकेबल डिजीज, टाइफाइड, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा होगा टाइफाइड।